नगर निगम नजुल नागपुर सुधार प्रन्यास के अधिकार क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए आज कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर पट्टों का वितरण किया गया। मानकापुर स्थित क्रीड़ा स्टेडियम में यह कार्यक्रम पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार, महापौर दयाशंकर तिवारी आदि की प्रमुख उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। 2018 के तहत सभी के लिए घर, इस योजना के तहत आज झुग्गी वासियों को माल के हक के पट्टों का वितरण पालक मंत्री नितिन राउत के हाथों किया गया। इस दौरान दुग्ध व पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार बोले, आज जो ये पट्टों का वितरण किया गया है, काफी अच्छा उपक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है, क्योंकि इन पट्टों का वितरण जिन्हें किया गया है, समाज के गरीबी रेखा में आने वाले लोग है जिन्हें ऐसी योजनाओं की जरूरत है। 2018 मध्ये जो उपक्रम सुरू झाला होता त्याला अंतर्गत हा कार्यक्रम आहे आणि ही पट्टे आणि शासनाची योजना ह्या अशा लोकांसाठी आहे की जे समाजामध्ये रंजले गांजले लोक आहे, हँड टू माउथ वाले लोक असतात, हातावर पानावर खाणारे, आणि ह्या लोकांचं हे स्वप्नातले त्यांचं स्वप्नच असतं त्या ठिकाणी की त्यांनाही त्यांच्या मालकी हक्क पट्टे मिळायला पाहिजे। पुष्कदा ह्या जमिनी कायद्याने त्यांना मिळायला पाहिजेच। इस कार्यक्रम के दौरान राज्य के ऊर्जा मंत्री व जिले के पालक मंत्री नितिन राउत बोले, नागपुर को झोपड़पट्टियों के शहर से जाना जाता था। सबसे ज्यादा झोपड़पट्टियां पूर्व नागपुर और उत्तर नागपुर में थी, जिस कारण कई समस्याएं भी निर्माण हुई। इसीलिए इन समस्याओं को हल करने हेतु झुग्गियों के जगह पर पक्के मकान उत्तर नागपुर में बनवा कर दिए गए। साथ ही उन्हें माल की हक के पट्टों का अधिकृत वितरण नहीं हुआ था, उन्हें आज अधिकृत पट्टों का वितरण किया गया है। सगळ्यात जास्त झोपडपट्टे या पूर्व नागपुरात आणि त्याच्या खालोखाल नवे तो बरोबरीने उत्तर नागपूर या विधानसभा मतदारसंघामध्ये झोपडपट्ट्या मोठ्या प्रमाणात राहिल्या आणि त्यामुळं अनेक प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झालेत। नोकरीसाठी आलेला प्रत्येक माणूस आपल्यासाठी राहायला निवारा शोधत होता आणि त्यांनी जिथं जागा मिळेल तिथं आपलं घर बांधलं। मी आपल्यासाठी सांगू इच्छेन की उत्तर नागपुरातील अनेक झोपडपट्ट्यांमध्ये मी त्या ठिकाणी पक्क घर बांधून दिलेले आहेत प्रत्येकाला। ज्याची झोपडी जिथं असेल त्या ठिकाणी त्याचं सिमेंट काँक्रीटचं घर बांधून दिलं आणि जवळपास 6 ते 7 हजाराच्या जवळपास ती संख्या आहे। आणि परंतु त्यांचे जमिनीचे पट्टे त्यांना मिळाले नव्हते, ते पट्टेसुद्धा देण्याचं काम या ठिकाणी आपण केलं आणि जे थांबलेलं काम होतं मागील 5 वर्षात ते पूर्ण करण्याचं संकल्पसुद्धा आज या ठिकाणी महाविकास आघाडी म्हणून आपण करतो आहोत। आज जिन पट्टों का वितरण हुआ है, इसीलिए पालक मंत्री नितिन राउत द्वारा शहर की जनता का इसमें बड़ा योगदान होने की बात कही गई है। इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर राज्य के ऊर्जा मंत्री एवं जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, दुग्ध व पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार, महापौर दयाशंकर तिवारी, विधायक मोहन मते सहित जिलाधिकारी विमला आर व अन्य अतिथि उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।